सभा चुनाव को लेकर चर्चा के लिए हुई। लोकसभा चुनावों में नुकसान पर भी इसमें मंथन किया गया। आपको बता दें कि सीएम भजनलाल, सीपी जोशी, इनके अलावा प्रभारी विनय सहस्त्रबुद्धे, सह प्रभारी विजय राहटकर, डिप्टी सीएम दिया कुमारी, डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा सहित कमेटी के कई सदस्य इसमें मौजूद रहे। तो बीजेपी मुख्यालय में भाजपा कोर ग्रुप की इस बैठक को लेकर अपडेट यह है कि इसमें लोकसभा चुनावों में नुकसान पर भी मंथन चल रहा है। इसके अलावा विधानसभा उपचुनाव और राज्यसभा को लेकर भी इसमें चर्चा हो रही है। जयपुर से हमारे वरिष्ठ संवाददाता योगेंद्र पंचोली इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ बने हुए हैं। योगेंद्र, भाजपा मुख्यालय में मंथन के सिलसिले पिछले कुछ दिनों से चल रहे हैं, आज भी मंथन चल रहा है, क्या अपडेट है, किस तरह का मंथन हुआ है और मंथन का निचोड़ क्या निकल कर सामने आया है? देखिए प्रभात, क्योंकि बीजेपी यहाँ आज जो अभी हाल ही में लोकसभा चुनाव जो संपन्न हुए हैं और राजस्थान को जिस तरह से 25 में से केवल कम सीटें मिली और 11 सीटें बीजेपी गवा चुकी है, उस पर अभी यहाँ जो कोर कमेटी की बैठक है जिसमें खुद मुख्यमंत्री मौजूद हैं, दोनों डिप्टी सीएम मौजूद हैं, इसके अलावा भी वरिष्ठ जो पदाधिकारी हैं वो मौजूद हैं, खुद प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी हैं, प्रभारी विनय सहस्त्रबुद्धे हैं समेत जो संगठन के लोग हैं वो इस बैठक में मौजूद हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है क्योंकि अभी आगामी कुछ महीनों में ही 5 सीटों पर उपचुनाव भी विधानसभा के होने हैं, तो उसको लेकर भी इस बैठक में चर्चा की जा रही है कि क्या कुछ किया जा सकता है और खासकर वो 11 सीटें लोकसभा की जो बीजेपी इस लोकसभा चुनाव में हार चुकी है, उन सीटों का जो क्षेत्र है वहां पर भी कुछ सीटें हैं जहां उपचुनाव होने हैं, तो वहां की परफॉर्मेंस कैसे रहने वाली है या फिर उसमें क्या कुछ बदलाव किया जा सकता है ताकि इन 5 सीटों को बीजेपी अपने खाते में डाले, क्योंकि जो नुकसान बीजेपी को उठाना पड़ा था तमाम चीजों को लेकर बीजेपी संगठन अब नई कवर कर रहा है और लगातार बैठके बुलाकर संगठन को किस तरह से सत्ता से जोड़कर और दोनों चीजें ताकि जो सरकार की योजनाएं हैं उनका लाभ भी जो प्रदेश की जनता है उन्हें मिले और क्योंकि और संगठन के जो आगामी कार्यक्रम होते हैं उनको लेकर भी नई रूपरेखाएं तैयार कर दी। लेकिन मोटे तौर पर तो कहा जा सकता है कि जो लोकसभा चुनाव में जो स्थिति बनी है बीजेपी की, उसके बाद बीजेपी अब संगठन को और फिर से नए सिरे से मजबूत करना और तमाम लोगों से मिलना, लोगों से संवाद करना, इस तरह के जो कार्यक्रम होते हैं और आगामी जो उपचुनाव है 5 सीटों के उन बाई इलेक्शन को लेकर भी अब तैयारी में पार्टी जुटी हुई है। जी बहुत शुक्रिया योगेंद्र तमाम जानकारी के लिए। और जाहिर सी बात है क्योंकि उपचुनाव सामने हैं और ऐसे में जिन सीटों पर हार हुई है उनमें वापस इस तरह का परिणाम भुगतना ना पड़े, इसको लेकर मंथन जरूरी है और यही मंथन इस वक्त बीजेपी मुख्यालय में चल रहा है।